जोरदार एक बार तालियां तो बजाओ यार। वैसे मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? देखो बेटा आउची मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पा रही, ऊपर से आज मेरा व्रत भी है। अतः बताओ व्रत कौन कराती है? पतिव्रता। जिसके घर में हो पतिव्रता उसका पति भूखा ही मरता। तो एक बार ताली बजाओ उस महान शक्ति के लिए। लेकिन शुरुआत अच्छी करनी चाहिए ना, गुड स्टार्ट इज हाफ डन देन डन डना डन डन। तो शुरुआत अच्छी करते हैं। मातृशक्ति आपके बीच में बैठी है, तब मैं कहता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू। शकुंतला जी मैम आपके लिए, कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। ओहो कमजोर है, ताड़िया भी कमजोर है, एक बार जोरदार से बजाओ। अब पूरा सुनोगे तो सब ताली बजाओगे, मजा आएगा, है ना। कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दो शासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो जैसे नारी का रूप होता है ऐसी सेना का रूप है। दो लाइन सम्मान में कहता हूं फिर हंसाता हूं, है ना, कि बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है। अनुसार आप यंग पता है क्यों है? क्योंकि नाम अनुज है, अगर अग्रज होता तो बुढ़े। जोरदार तालियां सदा महान सर के लिए। तो बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है, देश पे जब भी विपदा आए सेना ही आगे आती है, तन मन धन से सेवा करके लाखों जान बचाती है, अरे जलता लंबर की रक्षा खेलों में मेडल लाती है, सीमाओं से आगे बढ़ के झंडे गाड़ के आती है। एक बार जोरदार लगना चाहिए, जयपुर में कैसा स्वागत होता है सेना, जोरदार तालियां मन से। अरे बेटे सिटी में तो ये अपने संस्कार नहीं है, तेरी शादी नहीं हुई होगी अभी। शादी हो जाती है ना सर, भोंपू भी नहीं बचते थे, हालत खराब हो जाती। लेकिन एक बात है सर, मैं बहुत वीर रस का कवि नहीं हूँ, क्योंकि कई वीर रस के कवि होते हैं, मैं तो खीर रस का हूँ। कई ओज के होते हैं, मैं बोझ का हूँ, कहीं किसी रोज का हूँ। लेकिन आप हमारे असली हीरो हैं, एक बार जोरदार इन असली हीरो के लिए ताली बजनी चाहिए। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी काम करो वो देशभक्ति है। सर कोरोना में मैंने पूछा मारा मैं कौन सी श्रेणी में आता हूं, इसमें मुझे भारत रत्न का कुछ संभावना है? मुझे नहीं लग रहा सर, टेंशन लेके बैठे हैं ये लोग जयपुर वाले मेरे भाई। सर टेंशन लेने से पता क्या हो रहा है? अनुज सर सॉरी, सर आपको भी सॉरी, टेंशन लेने से हमारा ये ललाट बड़ा होके पलाट हो गया है सर। और मैं साफ साफ देख रहा हूँ कई लोगों का जेडी अप्रूव भी हो चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब टेंशन इतनी ज्यादा हो जाएगी तो सिर्फ बालों की चार दीवारी रह जाएगी। आप चश्मा लगाओगे तो यूं लगेगा जैसे मेन गेट लगाया। कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसको छड़े काट के आके कब जोर कर रहे। तो एक बार ताड़िया कमजोर है फिर भी जोरदार बजाओ भारत माता की। अरे वाह सीटी बजा दे बेटे, सीटी मत बजा, सीटी स्कैन करा, क्या पता कोई सी प्रॉब्लम निकल जाए। सर जयपुर के हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं, हॉस्पिटल का अर्थ मुझे समझ में आया जब कोरोना में हम गए सर। हॉस्पिटल का मतलब है जब हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते, और अस्पताल का अर्थ है जब अस्पताल में पहुंच जाती तो अपन अस्पताल पहुंच जाते। वहां जाके लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी, इसका सीधा सीधा मतलब है आप आते हैं काल के पास या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं। अच्छा अभी हंसी ताड़िया इस बात में बजे की बगल में लिखा होगा अनु सर फोन में कुछ नहीं लिखा, आप देख लो सर मैं देख लायक तो हूं नहीं, आप देख लायक हो सर, जोरदार ताड़िया बजाओ सर के लिए, एनर्जी कितनी तगड़ी थी। बगल में लिखा रहेगा हॉस्पिटल में आईसीयू।
इसका मतलब आई विल सी यू, एक बार भर्ती हो जा, नहीं साढ़े तेरे कूदड़े भी जोरदार ताली बजाओ। एक शानदार हॉस्पिटल है, धनवंतरी, धनवन होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोग लेगा। उसके बगल में जेके लोन, जाके लोन ले, नहीं साढ़े लोन में दम तोड़ देगा। और शानदार शानदार हॉस्पिटल है, सबसे शानदार हॉस्पिटल है सर टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया। और काउंटिया का मतलब है तू कबट गया, तेरे बाप को ही पता नहीं। एक ताड़िया फिर कमजोर है यार, ये अर्जुन का प्रोग्राम है, कैसी बात कर दी तुमने। ओएस से नाम है ऑलवेज स्माइल, क्या होता है ना ओनली स्माइल ऑलवेज, तो मुस्कुराना नहीं चाहिए सर, देशभक्ति तो असल यही है, क्योंकि हमने मुस्कुराना इसलिए छोड़ दिया साहब, दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। तब मैं दो लाइनें कहता हूं कि बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो भारत मां की जय बोलो। आपका भी यही उद्देश्य है सर, तो बंद पड़े दिल के दरवाजे, पीछे से बात बंद कर, पीछे से बात करना रॉबिन चमत्कार नहीं है, पीछे से बात करने का मतलब तेरा पेट खराब है। जोरदार ताली बजाओ हमारे एंकर के लिए, क्योंकि ये हेल्प करे मैं टैंक करूं। जोरदार ताली रोबिन भाई, बात खोल के आ जा, पहुंचा ली, चलो ठीक है, जोरदार ताली, अच्छा लड़का है। तो मेरे यार बीच में मत रोकना, मैं बीच में भूल जाता हूँ कि बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में इसे मत घोलो, जन जन मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो, घृणाओं के घृणित गठबंधन की अब तो भाई गांठे खोलो। बंद पड़े दिल के दरवाजे, अब तो खोलो। मेरे साथ बोलो, मैं आज गला साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैं 15-20 जगह ऐसा प्रोग्राम करके आता हूँ, मैं यहाँ रोड सेफ्टी का इंचार्ज हूँ, और मेरे को 700 प्रोग्राम करने होते हैं महीने में, तो मैं बच्चों को अवेयर करता हूँ कि भाई बत्तियां है ना 5 प्रकार की होती है, 3 तरह की नहीं मानोगे तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। ये पढ़ाने का मेरा तरीका है सर। तो हंसते हंसते जीवन में लोग दूर तक जाती हैं बातें, और आप जो करते हैं वो काम भी दूर तक ही जाता है। टेंशन बदले, कितने अच्छे लोगों ने टेंशन ली, सर मैं जिम जाता था आपकी तरह फिट था सर, फिर आप तो जिम जाते रहे, मैं जिम में भी जाता रहा। पहले सर मेरे भी मसल थे, फिर कटल्स हो गए, पहले डोले थे सर, फिर गोले हो गए, फिर कमर थी वो कमरा हो गई। हालात बदलते देर नहीं लगती दोस्तों, तो मस्त खिलाड़ी की तरह जीवन जीना चाहिए। तब मैं बात कहता हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। थैंक यू।